नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कुल्हाड़ेसी की हत्या, संदेहास्पद आरोपी को लिया कब्जे में। मोरेगांव तहसील के बोटोनी से 3 किमी अंतराल पर स्थित सराठी सोनूपोड़ में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर निर्ममता से हत्या की घटना शुक्रवार 18 अक्टूबर की सुबह 10 बजे के दौरान हुई। जानकारी के अनुसार तुकाराम गंगाराम आदराम निवासी सोनूपोड़े सराठी मृतक का नाम है। इस मामले में एक संदेहास्पद को पुलिस ने कब्जे में लिया है। मृतक की पत्नी शेवंताबाई तुकाराम आतराम ने शिकायत दर्ज की। तड़ीपार अपराधी को धर दबोचा। पुलगा 2 वर्ष के लिए जिले से तड़ीपार आरोपी शेख शाकिर उर्फ काला शेख नासिर को उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई 18 अक्टूबर को की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए थानेदार रविंद्र गायकवाड़ अपने दल के साथ पुलिस थाना परिसर में गश्त लगा रहे थे। इस दौरान उन्हें जिले से 2 वर्ष के लिए तड़ीपार शातिर अपराधी शेख शाकिर उर्फ काला शेख नासिर यह तिलक नगर स्थित अपने घर में आने की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके घर में छापा मारकर गिरफ्तार किया। नक्सली दल समर्थक के घर से डिटोनेटर का जखीरा बरामद। देवरी जिला पुलिस अधीक्षक मार्गदर्शन में नक्सल विरोधी अभियान दल पुलिस निरीक्षक हेड कांस्टेबल और अन्य कर्मियों ने गुप्त सूचना के आधार पर देवरी पुलिस थाना अंतर्गत डोंगरगांव डेपो निवासी संदिग्ध व्यक्ति के घर की तलाशी ली गई। तब उसके घर विस्फोटक करने के लिए उपयोग लाने वाले 21 जिंदा डिटोनेटर मिले, जिससे विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों द्वारा किसी घातक कारगुजारी को अंजाम देने का षड्यंत्र बेनकाब हो गया है। पुलिस ने डिटोनेटर जब्त कर डोंगरगांव निवासी सुभाष श्रीराम मडावी को गिरफ्तार किया। वह विस्फोटक कानून की धारा 18, 20 और 23 प्रतिबंधक हलचल कानून व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान संबंधी का मामला दर्ज किया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।